सबको सादर दंडवत प्रणाम। आज हम अन्न का क्या महत्व है और कौन सा अन्न लाभकारी है, कौन सा अन्न सेवन करना चाहिए, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। मनुष्य हवा, पानी और अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारे जीवन में इनका बड़ा महत्व है। अन्न ही प्राण है, इसलिए कहा जाता है कि वह अन्न खाओ जो पाप की कमाई का न हो। धर्मशास्त्रों में कहा है कि मनुष्य को हमेशा सत्कर्म के द्वारा प्राप्त कमाई से ही सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न हम सेवन करते हैं वैसा ही हमारी संतान होती है। किसी ने कहा है, दीपो भक्षते ध्वंत कज्वल सब प्रसूयते, यदन्न भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाता है, इसलिए काजल को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार नित्य जिस प्रकार का अन्न खाता है, उसी प्रकार मनुष्य नित्य जिस प्रकार का अन्न खाता है वह वैसे ही संतान को जन्म देता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य गलत रास्ते से असत कर्म के द्वारा कमाए गए धन से अपनी उपजीविका चलाता है तो अन्न खाता है तो उसकी संतान भी वैसी ही होती है, और वह भी वैसे ही वाम मार्ग से धन अर्जित कर बुरे कर्म करते हैं। हम किस प्रकार से धन संपत्ति अर्जित करते हैं इसका परिणाम अगले पीढ़ी पर होता है, इसलिए हमें इसका विचार अच्छी तरह से करना चाहिए। कहा भी जाता है कि जैसा अन्न खाओ वैसा होता मन, जैसा अन्न लज खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी पानी सोए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए, तथा हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, लेते देते हैं, इन सबको परमेश्वर के अर्पण करना चाहिए, जिससे मनुष्य अनेक दोषों से पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा है कि मनुष्य को हमेशा सत्कर्म भावपूर्वक आस्था से श्रद्धा से ही करना चाहिए। कोई भी विधि तब तक लाभदायक नहीं होती जब तक मनुष्य उसे भावपूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करता। इसलिए हमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, तथा अपने ज्ञान का हमें अपने जीवन में आचरण में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो जाता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने भोजन के लिए किसी को कष्ट मत देना, दुख मत देना, इतना ही विचार काफी है। जब भोजन बिना किसी को दुख दिए हो सकता है तो पशुओं को काटना और मारना अनुचित है। जब फल और सब्जियां और अनाज तुम्हारे लिए परिपूर्ण पौष्टिक हो जाते हो तो क्या ज़रूरत है कि पशुओं को मारो, क्या ज़रूरत है इतना दुख देने की। मुझे गर्व है कि मेरे भोजन के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं होती। मेरा भोजन दर्द, तड़प, चीख और हिंसा से मुक्त है। मैं शाकाहारी हूँ। आप भी शाकाहारी बनने का प्रयास करें। शाकाहारी अन्न उत्तम अन्न, सात्विक अन्न। दंडवत प्रणाम।